अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाट हूँ। तो जी, एज आई प्रॉमिस कि मैं आपको अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स की अगले नेक्स्ट व्लॉग में इसके अनबॉक्स करूँगा। तो एज आई प्रॉमिस मैं आ चुका हूँ। इधर मैं आया हूँ रिवर वाली साइड। मेरा मूड था कि मैं जाऊँ सी वाली साइड पर, सी व्यू पे, ब्लैक रॉक ना, समुद्र में पानी होगा आज। लेकिन फिर मैंने कहा इतनी दूर जाना पड़ना है, फिर मैंने कहा नहीं, मैं दरिया के पास बैठ के ना पार्क है वहाँ पर जाके मैं उसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह मेरा मोबाइल की नहीं लगा रहा, माशाल्लाह काफ़ी पानी है। मतलब इसमें ये होता है कि चांद की डेट के हिसाब से पानी आ जाता है। समटाइम पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, समटाइम पानी होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा होता है ना इसमें। तो इसी तरह सेम जैसे आ रहा है ये। मतलब यहाँ पर इनकी लोकेशन थी ऐसी बनी हुई है कि हर मेन टाउन के अंदर एक रिवर होता है। तो ये इस वैली ये मतलब वो पहले के ये बात हुए हुए हैं रिवर्स की साइड पे, घर लोगों ने काफ़ी सदियों से बात की है। ये बीच में जी बतख फिर रही है, ये है जी साथ मेरे शज़ीब। हाँ भाई शज़ीब, चलो आओ चले। ये है यहाँ पे जी साइकिल का ट्रैक, ये वाली साइड पे साइकिल का ट्रैक है, ठीक है ये वाला। और ये वाला जो है ये वॉकिंग का ट्रैक है, इस पर आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। रिवर के साथ एक आपको एक खूबसूरत सा व्यू मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सरसाइज की भी लगी हुई है मशीन्स वगैरह, यहाँ पर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो जिस तरह ये भाई कर रहे हैं, और ये है जी साइकिल का, और ये है जी वॉकिंग का। ये देखिए कितना प्यारा सा पपिया। तो ये सिनेरी है, अब मैं कोई अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के उस पर फिर बैठ के फिर इसको अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। से आज धूप भी निकली हुई है, वरना मोस्टली तो धूप हमें देखने को मिलती नहीं है। मतलब मोस्टली बारिश ही होती रहती है, ठीक है, या बारिश होती रहेगी या भाई साहब बादल होंगे, डैट्स इट। ये दो चीज़ें होती हैं। आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है, वो भी इतने मज़े की, क्योंकि सर्दियाँ आनी जिस दिन अखीर किस्म की आपको धूप मिल देखने को मिले, तो समझो उस रात को अखीर किस्म की सर्दी पड़ेगी। ये एक बोर्ड लगा हुआ है, इसको मैं पढ़ना नहीं चाह रहा। ये मतलब वो इसकी जो डॉग की जो है प्रेस वगैरह ना, वो उनके बारे में लिखा हुआ है। तो खैर इसको छोड़े, मैं ये ब्यूटीफुल ब्रिज इंजॉय करने आया हूँ। इतने मज़े का इसके दरिया के साथ जो बनाया हुआ है इन्होंने। मुझे जैसे कॉल आ गई थी एक, तो वो मैं सुनने लग गया। इस वजह से फिर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको कोई स्नेक देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको कोई स्नेक नहीं देखने को मिलेगा। मतलब लोग बड़े हो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होके मर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ज़िंदगी में स्नेक देखा ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर स्नेक है ही नहीं आयरलैंड के अंदर। मैंने कहा भाई ये सही है, तो फिर इसका मतलब मैंने कहा भाई कैंपिंग करने का बड़ा मज़ा आएगा। समर आ रहा है आगे, तो समर में इंशाल्लाह प्लान बनाएंगे कैंपिंग का भी और ट्रैवलिंग का भी। तो फिलहाल तो भाई था अनबॉक्सिंग भूल के मैं तो मौसम एंजॉय कर रहा हूँ और साथ व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। माशाल्लाह सामने वो डक्स वगैरह हैं काफ़ी सारी, वहाँ पर बैठी हुई। इसमें तो खैर 2x का जूम है, मतलब नया मोबाइल ओपन करूँगा तो वो अनबॉक्स करेंगे, उसमें तो 5x का जूम है, तो फिर उस पर भी वीडियोज़ बनाया करेंगे, उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिलहाल सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पानी से आ रही है आंखों के अंदर। तो जी अब अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के मोबाइल को अनबॉक्स कर रहा है जी। वो लोकेशन जो हमने डिसाइड की, यहाँ पे बैठ के सामने व्यू भी एंजॉय कर लेंगे, साथ यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर लेंगे मोबाइल की, ठीक है शज़ीब। तो जी कैसे हैं आप सब? तो जी कैसे हैं? टाइम टू अनबॉक्स न्यू आईफोन 15 प्रो मैक्स। You, so I'ma let you keep me up another time.
don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night. अनबॉक्स होपफुली आपको सिनेमैटिक्स अच्छे लगे होंगे। तो यार ठंडी हवा चल रही है इसलिए मैंने हुडी पहनी हुई है, तो हुडी में उतार भी सकता हूँ, उसमें मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि बाल उड़ने लग जाते हैं क्योंकि मैंने कैचर लगाया हुआ है तो ऐसे भी ठीक लग रहा है, लेकिन हुडी पहन के थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है। तो जी टाइम टू अनबॉक्स, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। सबसे पहले आप खोलेंगे जी हम इसको, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के ओपन करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबे यार ये जो इसकी आवाज़ है ना, आपको आपको दोबारा सुनवाता हूँ, ये बस देखिएगा। अब ये देखना, अबे यार ये जो आवाज़ है ना, ओए होए है, माइंड ब्लोइंग। अब इसको ओपन करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीब लेके आए कैमरा। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, दिखाएं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए 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 होए, चीज़ तो है ना, फिर चीज़ तो है। ऊपर से जो उठा हुआ है यहाँ से ऊपर को, ओए होए माशाल्लाह। अब इसको बाकी चीज़ें भी इसकी दिखाता हूँ, ये पकड़े भाई शज़े प्लीज़, थैंक यू। अच्छा जी अब इसको उतारते हैं, खोलते हैं इसको, इसको बाद में खोलते हैं, अभी इस भी इसको ऐसे रखते हैं और इसके अंदर देखते हैं जी क्या निकला है इसके अंदर। एक यूजुअल सिम इंजेक्टर है इसके अंदर, ठीक है ये रहा। उसके अलावा ये यूज़र मैनुअल्स है और ये एक स्टिकर है, पहले दो देते थे लेकिन अब इन्होंने एक कर दिया, बड़े डैश हैं ये, क्या कह सकते हैं भाई। और साथ ये है जी डाटा केबल, अभी इन्होंने टाइप सी टू टाइप सी कर दी है, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी है इनकी बात। सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे लगी ना इनकी, ये जो डाटा केबल है ना, ये करीब लिखा ये चेक करें, ये ना थ्रेड है, मतलब जिस तरह वो कपड़े की सिलाई की होती है इस तरह की है ये तार, अब वो प्लास्टिक की नहीं है तार ना, तो ये मुझे चीज़ इनकी बड़ी अच्छी लगी। बाकी मेरे पास वो 20 वाट का फास्ट चार्जर तो है एप्पल का ओरिजिनल, तो जो मैं अब यूज़ कर रहा हूँ इस मोबाइल के साथ। तो खैर इसको रखते हैं साइड पे, ये भी हम साथ ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फेंक के जा नहीं सकते, अगर कोई बिन नज़र आई तो हम उसमें फेंक देंगे। अब इसको निकालते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। तो अब इसको इसको ये वाला ओपन करेंगे, अब ये हम इसको अयो माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको लाइन दिखा, थैंक यू। अब इसको ऑन करते हैं जी, फर्स्ट ऑन अपने सब्सक्राइबर के साथ मैं करने लगा हूँ अपने मोबाइल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 प्रेस, ऑन हो गया है जी। आपको नज़र आ रहा होगा एप्पल का साइन, क्योंकि अभी लाइट नहीं मुझे बैटिंग से नज़र आ रहा है, लेकिन वीडियो में नज़र आ रहा है कि नहीं उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरे सामने मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये फुल ब्लैक स्क्रीन है और उसके अंदर वाइट सा एप्पल नज़र आ रहा है। तो जी ओपन है आईफोन 15 प्रो मैक्स। हेलो, सही नहीं है, अभी इसको मैं सेटिंग वगैरह करता हूँ इसकी। इसको मैं ओला आ गया, ओला, आई एम वेटिंग फॉर द ओला। तो अब इसको सेटिंग करूँगा इसको मैं घर जा कर तसल्ली से। अभी फ़िलहाल बोनजोर भी आ गया, अब इसको यहाँ पे करेंगे इंग्लिश, आयरलैंड, और ये सेटिंग्स हैं कुछ, तो इसको मैं बाद में करूँगा अभी। अभी इसको फ़िलहाल इसकी थोड़ी सी और वीडियो बना लेते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो अभी इसकी थोड़ी बहुत और वीडियो बना के सिनेमैटिक्स बना के तो फिर चलते हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपको पूरा का व्यू दिखाता हूँ, इतना प्यारा है, ब्लू आसमान, ब्लू स्काई के साथ तो बादल इतने खूबसूरत, ऊपर से आज धूप निकली हुई है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा मंजर बना हुआ है। तो मैं चाह रहा था कि किसी अच्छी जगह बैठ के अपना व्लॉग, मतलब किसी अच्छी जगह पे बैठ के अपने मैं आईफोन की अनबॉक्सिंग करूँ, और अब नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बहुत अच्छे आने वाले हैं, इंशाल्लाह कंसिस्टेंट रहूँ। कल
ट्यूसडे है, कल मैं जा रहा हूँ सलाइगो, तो आपको अपने साथ लेके जाऊँगा, वहाँ की आपको खूबसूरती भी दिखाऊँगा। वहाँ पे मुझे एक काम है, मुझे एक सर्वे मैंने करना है, तो उस वजह से आपको वहाँ पे भी मैं लेके जाऊँगा। ओके, इसकी थोड़ी सी सिनेमैटिक वीडियो बना रहा हूँ। बादल आ गए हैं भाई साहब, धूप चली गई, अब सर्दी लगने लग गई है। टाइम टू गो होम। अब भाई और बर्दाश्त नहीं हो रही सर्दी, मैंने जैकेट भी नहीं पहनी, जस्ट ये सिर्फ सिंपल हुडी पहनी हुई है। तो जी क्या से कहते हैं, अब बात की जाए अब इसको सेटअप करने की, तो मैं सेटअप घर जा कर करूँगा इससे, क्योंकि घर में अच्छे तरीके से तसल्ली से बैठ के करूँगा, क्योंकि इस आईफोन से उस साइड आईफोन में डाटा करूँगा तो वो ऐसे हो जाएगा सेकेंड्स में ना, तो ऐसे वो ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी रही बात कीजिए हाउ मच आई स्पेंड ऑन दिस फ़ोन, भाई साहब बहुत ज़्यादा मैंने स्पेंड कर दिया, क्योंकि मैंने फ़ोन मैंने लिया है फुल अमाउंट पे, लेकिन जो है सिम जो मैंने लिया सिम इंश्योरेंस के साथ मैंने बाई की है, मतलब मुझे वो एप्पल की जो इंश्योरेंस थी ना वो थोड़ी मुझे एक्सपेंसिव पड़ रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा यार एप्पल की थोड़ी एक्सपेंसिव है, फिर मैंने ना वोडाफोन की चेक करा था, तो मुझे वोडाफोन की सिम के प्लान के साथ ना वो अच्छी मिल रही थी, मुझे सस्ती मिल रही थी, उसमें मतलब हर चीज़ की कवरेज थी, तो फिर मैंने कहा वाई नॉट, मैंने फिर वो ट्राई की। फ़ोन के पैसे मैंने पूरे दे दिए थे, लेकिन जो सिम थी ना वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली थी, सिंपल सिम के और इंश्योरेंस के पैसे, तो वो मुझे अक्सर देना पड़ेंगे। बाकी वैसा फ़ोन अपना चोरी हो गया, टूट गया, जो मर्जी हो गया, वट एवर, आपके भाई को नया फ़ोन मिलेगा, टेंशन ही लेनी आपने। आपको पता है ब्रो? हाँ जी पता है मुझे, कोई नहीं जाने दें। तो जी हम जा रहे हैं जी ब्लैक रॉक, बैठे हुए थे जी, कुछ करने को था नहीं, आज मेरा भी ऑफ था, तो भाई की मीटिंग थी, रफात भाई मीटिंग में थे बिजी, तो भाई रफात की मीटिंग ख़त्म हुई तो मुझे कहते कि क्या कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं, मैं क्या कर रहा, कुछ नहीं है करने का, तो फिर हम चलते हैं ब्लैक रॉक से घूम के आते हैं। तो मैं आपको इस व्लॉग के शुरू में कह रहा था ना कि आपको ब्लैक रॉक में भी पानी आया होगा, क्योंकि मून की डेट्स पर डिपेंड करते हैं पानी वगैरह का ना। चलते हैं जी ब्लैक रॉक। ये अच्छा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स से, तो मोबाइल का भी आइडिया हो जाएगा, इसका कैमरा टच भी हो जाएगा इसी व्लॉग में, तो फिर हम ब्लैक रॉक में जाके इस व्लॉग को एंड भी कर देंगे, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेट्स गो। पहुंच चुके हैं जी ब्लैक रॉक पर, हमारी किस्मत में भाई साहब आज भी पानी नहीं है, कैसे से यार, एक तो पता नहीं मेरी टाइमिंग गलत होती है, मैंने नहीं स्कैरिस गया था मैं वहाँ पे डब्लिन के साथ है स्कैरिस टाउन, तो वहाँ पे मैंने बीच में पानी देखा था, यहाँ पे भाई ब्लैक रॉक में जब मेरे दोस्त आते तब पानी होता है, जब मैं हूँ तब पानी नहीं होता, दबाव खराब कर देते हैं यार कसम से पकड़ के। तो ये मेरा ख्याल शाम को आएगा पानी, अभी नहीं आया, क्योंकि अब कल का पानी आया हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं है, अब मेरे जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना तैसे वैसे वैसे पानी इधर को आता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता ना, ऐसे होगा आई थिंक सो, क्योंकि मुझे सामने वो शिप नज़र आ रहे हैं, थोड़े से दूर है लेकिन शिप सामने काफ़ी नज़र आ रहे हैं मुझे, तो मैं आपको बाहर जाके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर इसको भी लोगों को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और ये है जी रफात भाई। रफात भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रफात भाई हैं इंडिया से, चेन्नई से है, चेन्नई से हैं, तो यार मुझको भी शर्म आने लग गई, मैं उनसे अब क्या पूछूं यार, वो बेचारे खुद ही कंफ्यूज हो गए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये देखे जी एज यूजुअल पानी है ही नहीं, पहले था पानी थोड़ा बहुत, ये देखे पानी 5x का जूम, फक सेक बहुत लेवल का, ये देखे वो पानी है उधर वाली साइड पे सारा, लेकिन बहुत दूर करके आया पानी, वो रहा था, हमें शीप नजर आएगा आपको, ये डॉगी जा रहा है। इस तरह यहाँ पे लोगों ने कुत्ते रखे होते हैं बड़े प्यारे प्यारे से, बहुत खूबसूरत होते हैं, तो ये ऐसे शाम टाइम इनको यहाँ पे लेके आते हैं सैर करवाने, थोड़ी वाक इनकी अपनी भी हो जाती है रुख जी, और ये उनकी भी करवा देते हैं। ये है जी ब्लैक रॉक। पानी तो खैर आज मेरी किस्मत में था नहीं, लेकिन ये अगर शाम को आएगा, अभी नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया, तो वो आगे वाली साइड पे तो खैर बहुत पानी है, लेकिन ये है कि अब ये है जी ब्लैक रॉक, सनसेट हो रहा है, तो इस व्लॉग को भी मैंने कहा यहीं पे अब ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म किया जाए,
ये हमारी स्पोर्टेज खड़ी है, किया स्पोर्टेज। और चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पे किया जाता है जी ख़त्म। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये है जी नए मोबाइल से मैं इसको एंड कर रहा हूँ, बनाया मैंने 11 प्रो मैक्स से था, लेकिन इस व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ जी 15 प्रो मैक्स से। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो मस्त लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले व्लॉग्स का भी इंतजार कीजिएगा, वो भी आपके लिए सरप्राइज़ होंगे। क्योंकि मैं जिस टाउन में जा रहा हूँ वो भी मैंने सुना है कि बहुत खूबसूरत है, तो वो आपको मैं उसके बारे में भी बताऊँगा चीज़ें वगैरह। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना अपने वालदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी मान ला। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके अगर कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं आइलैंड के बारे में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।